Actually, oh, teri Ayla. अरे ये क्या हो गया यार? अरे तू तो आमिर खान से अमिताभ बन गया यार. ओ तेरी, नहीं नहीं मेरी, नहीं नहीं इसकी, नहीं नहीं उसकी, मामला बहुत है इसकी. ओ कोई नहीं यार, क्या बात है, सब लोग हंस ले. हाँ दोस्तों, आप लोगों को पता है ये जो मैंने अभी गाने गाए, मैंने अमिताभ जी के और डांस किए हैं यहाँ पे, आप लोगों को मजा आया? एक बार जोर से बोलिए. लेकिन ये तो थे, मतलब इंसानों के लिए गाने बनाए गए थे, लेकिन जानवरों के लिए भी गाने बनाए गए हैं, आप लोगों को शायद पता नहीं है. जैसे सबसे बड़ा वफादार जानवर जो होता है वो कुत्ता होता है, सबसे बड़ा वफादार है, आदमी नहीं है, कुत्ता वफादार है. इसलिए लड़की लोग आजकल कुत्ते से बहुत प्यार करते हैं, जहां भी देखो कुत्ते को साथ में रखते हैं, ऐसे ऐसे गाड़ी वाड़ी में इसमें हाय बाय हाय. और कभी कभी तो आजकल लड़की लोगों का एक शौक है इस तरह से, सेल्फी लेते हैं. मैं ये समझ में नहीं आता, दो उंगली आगे क्यों करते हैं, इसका क्या मतलब है? और दो उंगली आगे तो करते साथ में, मुंह को भी आगे कर देते. और तो और कभी कभी पता चलता है प्ले तो भी आगे कर देते, हिप हॉप डांस कर रहे हैं जैसे लगता है. हाँ लेकिन ये कुत्ते के लिए गाना बनाया गया था, जो बहुत अच्छा गाना था, लेकिन शायद मुझे लगा कि ये कुत्ते के लिए बनाया गया, बहुत अच्छा गाना था. तर 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 यहाँ नहीं था कुत्ता, आने वाला है, इनकमिंग. दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है, आंखों ही आंखों में यारों का दिल खो जाता है. पिया तू अब तो आजा, शोला सावन दह के प्यास बुझा जा, दुरु 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 तन की ज्वाला ठंडी कर जाए, ऐसे गले लगा जा. मैं कुत्ते के साथ कुतिया भी गाने लगी. हाँ बात वहां खत्म नहीं हुई, फिर और एक गाना बनाया सनी देओल के लिए, बड़ा अच्छा गाना था, एकदम कुमार सानू ने गाया था, ऐसा लगता था दूर पहाड़ी में चाय पीते हुए गाना गा रहा है, इस तरह से की आवाज थी. तू धरती पे चाहे जहां भी रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा. खुशबू से कैसे पहचान लेंगे, बड़ा अजीब बात है. अच्छा अभी और एक गाना लेटेस्ट आया, उसमें तो और भी सॉलिड है, ऐसा इस तरह से अक्षय कुमार के लिए गाए थे. क्या कर रहा है, फाइन मारेंगे पुलिस, मत कर ऐसा. तो ये था गाने कुत्ते के ऊपर. हाँ लेकिन आप लोगों को पता है जो जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, मतलब आदमी का कोई बताएगा मुझे क्या होती है जिंदगी जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या है, जिसके बगैर आप जी नहीं सकते हो, वो क्या है, कौन बताएगा, आप बताओगे? सांस. सांस, राइट. लेकिन सांस जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के लिए लिया जाता है, मतलब ऑक्सीजन होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले सकते, ऑक्सीजन चाहिए. तो ऑक्सीजन के ऊपर भी एक गाना बना था. अभी मैं चार ऑप्शन देता हूं आपको, उसमें से कौन सा है. सांसों की जरूरत है जैसे, ए बी, सांसों को सांसों में ढलने दो जरा, सी, सांसों से नहीं कदमों से नहीं मोहब्बत से चलती है दुनिया, डी, सांसों में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आए, मुझे सांस आए, मुझे सांस आए. इसमें से कौन सा गाना ऑक्सीजन वाला है, कौन बताएगा? डी डी डी. अच्छा प्रक्रिया पुरानी है, मतलब सांस दे करके कोई अगर बेहोश हो जाता है तो उसको
उसमें अलग चीज होती है, अलग मामला होता है उसमें। सब लोग ट्राई मत कीजिएगा, अच्छी बात नहीं है। लेकिन ये तो खैर ऑक्सीजन वाला गाने का था। आप लोगों को पता है हमारे जो यहाँ पे बंगाली कौन कौन है? बंगाली कोई है? बंगाली नहीं है? कौन है बंगाली? एक ही जन बंगाली है लगता। आप बंगाली हो? नहीं, बंगाली नहीं। चलो, बंगाली लोग जो है वो गाने को है ना गाना नहीं बोलते, गान बोलते, गान बंगाली लोग गाने को। और इसका जीता जागता उदाहरण है हमारे बप्पी लाहिड़ी। जो एक बार बप्पी लाहिड़ी का इंटरव्यू हो रहा था, तो बप्पी लाहिड़ी को उस जमाने में बहुत अच्छे मतलब विजिटेटर थे, बहुत अच्छे अच्छे गाने दिए उन्होंने। तो रिपोर्टर जी उनसे पूछने लगे, अच्छा तो बप्पी दा आप बताइए कि आज के म्यूजिक डायरेक्टर में और आपके जमाने के म्यूजिक डायरेक्टर में क्या फर्क है? आज के जो गाने हैं उसमें और आपके जमाने में म्यूजिक डायरेक्टर जो है उनमें क्या फर्क है? तो बप्पी दा, सुनिए बप्पी दा की इंटरव्यू। हमारे जमाने में जो गान होता था उसमें टेम्पो था, आजकल के गाने में एकदम टेम्पो नहीं है। आजकल सिंथेसाइजर लेके लोग बना लेते हैं कैसे भी। हम लाइव शो करते थे, हमने अच्छे अच्छे लेडीज सिंगर के गान में 100 वायलिन बजाया, कभी 50 तबला बजाया। आजकल तो सिर्फ कंप्यूटर में गान होता है, आजकल के गान में मौजा नहीं है। अच्छा, लेकिन गान सभी अच्छे होते हैं, इंग्लिश गान, बंगाली गान, गुजराती गान, मराठी गान, पंजाबी गान, सभी गान अच्छे होते हैं। लेकिन उसमें सुर और लय ताल जो है वो बिल्कुल हार्ट टचिंग होना चाहिए। हमारे बंगाली गान में बिल्कुल हार्ट टचिंग होता है, बहुत मजा आता है। एक बार कुमार सानू हमारे सामने आया था, कुमार सानू तभी उस टाइम पे था, तो कुमार सानू हमको बोलते थे, दादा हम भी किशोर कुमार के जैसे सिंगर बनना चाहता है। तो बोलता व्हाई नॉट, बन सक, लेकिन तुम्हारा जो गान है उसमें तुम्हारा नाक लगता है, तुम नोजल टोन से गाना गाते हो, वो सही नहीं है, उसको सही करो। तो बप्पी दाई के इंटरव्यू ऐसे इस किस्म के, तो बप्पी लाहिड़ी के इंटरव्यू को इस बप्पी दाई जोक्स बन गया पूरा फिल्म इंडस्ट्री में, हर कोई उसको चिढ़ाता है इस नाम से। तो एक बार क्या हुआ, सब लोग चिढ़ाते रहते थे, तो एक बार हिमेश रेशमिया के गाने जो थे ना, वो आप लोग हिमेश में क्या आवाज मालूम है? हिमेश में क्या आवाज, मैं नमूना पेश करता हूं, किसकी आवाज हो सकती है? भेड़िया, भेड़िया ऐसा लगता है। तो हिमेश रेशमिया के गाने में जो है भूत आ गया, कौन सा गाना, झलक तक लाऊं जा, बिहार में न्यूज में आया था आज तक चैनल में। तो बप्पी दाई ने फोन उठाया और हिमेश रेशमिया को बोलने लगे, आए हिमेश सुना है तुम्हारे गान में भूत घुस गया। दादा क्या बात कर रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। तो ये था जो प्रैक्टिकली इस टाइप के जोक्स है। आप लोगों को जोक्स मजा आ रहा है कि नहीं? जोक्स में बोलिए, कहने का मतलब ये है कि देखिए एक भाषा में जो चीज जो होता है वो दूसरी भाषा में जाके वो चीज बदल जाता है। कभी कभी ऐसा बहुत सी चीजें भाषा है। अब महाराष्ट्रीय लोग जैसे कि हर महाराष्ट्रीय लोग, अब यहाँ मराठी लोग बहुत है मेरे ख्याल से, है ना? आप लोगों को दाद देनी पड़ेगी आप लोगों की हिम्मत की। आप लोग कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप लोगों जैसा कोई नहीं है पूरा हिंदुस्तान में। आप लोग जो काम करते हो ना वो उसके उस काम से आप लोगों का नाम पड़ जाता है यार। वाघ मारे घर, वाघ को मारा तो वाघ मारे घर हो गया हाँ। आचरे कर, मांजरे कर, कमला कर। अब मैं महाराष्ट्र में, मेरा नाम क्या होता था? देबाशीष पीके कर। सलमान खान महाराष्ट्र में तो सलमान खान शर्ट खोल कर। अक्षय कुमार महाराष्ट्र में तो क्या होता है उसका नाम? अक्षय कुमार मारपीट कर। तो ऐसे कुछ भी कर होता है, किसी भी किस्म के काम करते रहते हैं मतलब अलग अलग। और जो कुछ नहीं कर सकता है, यहाँ पे कोई बोर कर है क्या? वो बोर करता है, है? नहीं है, चलो अच्छी बात है। बोर कर नहीं है तो बुरा मानते मेरे को, मुझे मारने आते फिर बोले अरे बोर कर, मैं बोर करता हूँ। अच्छा, हर भाषा में देखा है मैंने, एक चीज नोटिस किया है कि जैसे महाराष्ट्रीय भाषा में हर कोई कोई भी चीज में ला ला करते रहते, ला 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 ला,
आईला तुला मला गेला आम्हाला कशाला प्रेमाला संगीतला बघितला केलेला नाम जगह का नाम भी लाच रखते लोखंडवाला लोनावाला खंडाला वडाला चकाला इतने ला है और चा है बंगाली लोगों में लो है आलो भालो होलो छिलो चोलो बोलो सब लो अब गुजराती लोगों में छू और छे बहुत है आऊं छू जाऊं छू केम छू मजा मचू मजा मचे अब छे और छे के बाद सात नंबर उन लोगों के बीच में आता ही नहीं है सात आठ नौ दस तक तो पहुंचते नहीं है कभी छे तक रुक जाते हैं आप पंजाबी लोगों में देखा है मैंने कि डा और डी का बहुत इस्तेमाल होता है सड्डा अड्डा बड्डा खड्डा सड्डी बड्डी खड्डी बड्डा बड्डा अड्डा बड्डा जड्डा सब चड्डा चड्डा भी उन लोगों में सरनेम होता है सरनेम में चड्डा बना दिया चलो भाई चड्डा है तुम अच्छा हुआ चड्डी नहीं बनाया अच्छा हुआ चड्डी नहीं बनाया तो आपने बोल दिया ये इनके इनके लिए जोरदार ताली हो जोरदार ताली हो क्या बात है भाई आपका नाम क्या है आपका नाम रवि कुमार रवि कुमार क्या कर अच्छा कुछ मत कर अच्छा जाने दो उनका नाम रवि कुमार कुछ मत कर इनके लिए जोरदार ताली रवि कुमार आप कुछ मत कर सवाल पूछकर जो ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछता है उसका नाम रख देते सवाल पूछकर हाँ फिर जो गाने वाला है उसका नाम है गाकर जो खाने वाला है उसका नाम है खाकर इस टाइप का नाम होता था अगर ये अपना जो बोलते इसको अपने पारसी लोगों को देखा है कि वाला वाला होता रहता है हमेशा बाटी वाला पीतल वाला लोखंड वाला जितने वाला है अब जो कुछ जो काम करता है वो गाने वाला हंसाने वाला पीने वाला खाने वाला इस टाइप के बहुत सारे नाम हो सकते थे लोगों के बीच में आप लोगों को पता है ये जो मतलब आज तो पुराने जमाने के गाने तो अच्छे थे लेकिन आजकल के गाने में जैसे अरिजीत सिंह गाता है मैं नमूना पेश करता हूँ आपको बताइए कि उस गाने में आप लोग क्या क्या महसूस हो रहा है टूटे या ना टूटे तेरा रंग तेरा डोल ना ऐसा नहीं लगता है कि मार खाया है बहुत थक गया है बहुत थक गया है थके थकने की वजह से ऐसा हो रहा है कुमार सानू गाते बोलते ही देखो ठंडी हवा आ गया इधर इधर ठंडी हवा लेके आते हैं उधर से वो हर किसी के गाने के स्टाइल ये हिमेश में ऐसा जब बढ़िया गा रहा अभी जैसे एक्टर लोग हैं आपको पता है मैं अभी दो चार एक्टर का स्टाइल करूंगा आप लोगों को बताना है कि वो एक्टर कौन है सिर्फ स्टाइल करूंगा मैं डायलॉग नहीं बोलूंगा आप लोगों को चूज करना है कौन है वो राजेश खन्ना अच्छा राजेश खन्ना क्या कर रहा था यहाँ पे छींक मार रहा यस छींक मार रहा था लेकिन आया नहीं अटक गया बीच में तो ऐसे ऐसे एक्टर है बहुत सारे एक आध नमूना मैंने आपको पेश किया अच्छा ये अच्छा ये क्या कर रहा है ढूंढ रहा है ढूंढ रहा है अरे पैसे मांग रहा है इसलिए तो कौन बनेगा करोड़पति में जाता है उधर देता है इधर इधर लेता है पैसा लेता है आप लोगों से वैसे मैं भी लेता हूँ ऐसी बात नहीं है यहाँ का पैसा बिना पैसा काम नहीं करता हूँ मैं भी पैसे लेके करता हूँ लेकिन इतना है कि आप लोगों के प्यार और का मैं बहुत आदर कर रहा हूँ आप लोगों को कंपनी का नाम क्या क्या बताया आपने स्वस्ति माइक्रो फाइनेंस बाप रे क्या बात है फिर मुझे फाइनेंस की कोई टेंशन नहीं है मतलब औरतों के लिए हाँ अच्छा औरतों के लिए है मैम तो जाने दो कोई हाँ साड़ी पहन कर आना पड़ेगा अरे नहीं 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 वो तो खैर मैं वो साड़ी पहन के नहीं मैं घाघरा वगैरह पहन के आता हूँ कि पी के ओके बन चलेगा ना बिंदिया भी लगाना पड़ेगा बिंदिया भी लगाना पड़ेगा हाँ तो चलेगा ना टेंशन नहीं ओके थैंक यू आई लव यू सर सर एक बार आमिर खान की बहुत अच्छी है आमिर खान की अच्छा कौन सा डायलॉग सुनना चाहेंगे आप ना 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 हमने बोला वहाँ
हमरा गोला माटो कोनो कछु पहनता नहीं है। हाँ, जब हम यहाँ पहली बार आया तो हमका फीलिंग हुआ ये गोला के लोगों की चमड़ी और हमारे चमड़ी में फर्क है। कोनों की चमड़ी चमकीली सैली सैली, कोनों की चमड़ी काली फुल ब्लैक, कोनों की चमड़ी चिपकी हुई, कोनों की चमड़ी ढीली। एक दिन हमका एक तो कार मिला डांसिंग कार। उस दिन हमरा समझ में आया कि गोला के लोगों की चमड़ी और हमारे चमड़ी में कोनो फर्क नहीं है। प्री गोला के लोग अपने पार्टी पर कोनो फैशन नामक वस्तुल पिट लेते हैं। ये गोला के भाषा भी बड़ा अजीब है, बोलते कुछ है और उनका मतबल कुछ और निकलता है। एक ही शब्द के चार चार मतबल, जैसे मुंडे इलाके बोला अच्छा अच्छा, यानी सब कुछ ठीक ठाक, आके पूरे बोले अच्छा, यानी शौक माँ तोरी अम्मा का एक्सीडेंट हो गया अच्छा, गुस्सा आ गया लाउडली अच्छा, अच्छा हमको सिखारी अच्छा, सोचता है तो लंबा वाला अच्छा अच्छा। अरे का अच्छा और का बुरा इकट्ठे सेट करना तो बहुत ही मुश्किल बा, लेकिन ये भोजपुरी भाषा सीखे खातिर हमारा पूरा 6 घंटा बर्बाद हुआ। उनके बाद मालूम हुआ भोजपुरी भाषा तो एकदम आसान था, कोनो भी शब्द के पीछे या हुआ लगा तो भोजपुरी होगा। पानी को पनिया, दुकान को दुकानिया, सामान को सामान हुआ, डायरी को डायरिया कहते हैं, जैसे लगता है कोई डायरी नहीं कोनो बीमारी है। और हर शब्द पे या हुआ नहीं कर सकते, जैसे संडे है जैसे मंडे, संडे को संडे हो, मंडे को मंडुआ, तो अंडे को हो गए। हाँ वहाँ फंस जाओगे ना, इसके लिए बोला कि सब। और इंग्लिश भाषा भी बड़ा अजीब होता है। हाँ टीओ टू होता है, टीओ टू होता है, जीओ गू नहीं होता है। हमने पूछा कहाँ है, बनारस को बुलाओ ना, बनारस से लोग बहुत है अपने पास। बनारस से? हाँ अमित सरोज, बोलो अमित। अच्छा अच्छा अमित सरोज किधर है? वो हमारा अमिता बच्चन, अमित सरोज का हो जितल बा, पानी सुटल बा, कछु कछु बोलो भोजपुरी माँ क्या बोली? ठीक हाँ ठीक बा, ले आ खाए? हाँ का लिए? अरे तो यहाँ नहीं लेता हूँ कहीं। क्या मर्दवा झड़िया एक पिछड़ा चला, प्यारा लागल बा। अरे वाह क्या बात है, भोजपुरी नहीं है जान दो, कोई बात नहीं भोजपुरी नहीं है। अगर भूख लगी है उधर देखो रखा है, भोजपुरी नहीं है तो आलू पूरी शिवपुरी सब कुछ रखा है, आलू खा सकते हो, मैं भी जाके खा सकता हूँ। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आप लोगों का प्यार और जोरदार तालियों के साथ में स्वागत है आप सबका। थैंक यू और आप सबका मैं आभारी हूँ। मेरा नाम देवाशीष घोष है, आप लोग मुझे YouTube चैनल पे देख सकते हो, मेरा YouTube चैनल का नाम है देवाशीष घोष, उनमें जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, जो मर्जी कीजिए। हाँ उधर पूरा फुल अलाउड है, सब कुछ करना है, आप लोग कर सकते हो कुछ भी। हाँ और पीछे देखा कि वो उधर अमिताभ जी जस्ट डायल में ऐसे उंगली दिखा रहे थे, तो मेरे पे मुझे भी उंगली दिखाया उन्होंने, इसलिए उनका मैंने गाना ले लिया था। वो अपना जस्ट डायल में भी मेरा है, तो अमित जी ने मुझे भी ऐसे उंगली दिखाया है, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि भाई अच्छा है। लेकिन लड़की लोग ऐसा क्यों करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आया, ये सस्पेंस है आज का। थैंक यू आउट। अच्छा हाँ थैंक यू थैंक यू। ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, एक बार जोरदार तालियां हो जाए देवाशीष के लिए, कम ऑन देवाशीष, इफ यू कैन प्लीज कम अप ऑन स्टेज, एक बार हमारे साथ आ जाइए, ऑडियंस के सामने आ जाइए, क्योंकि बहुत देर से आप नीचे जाकर परफॉर्म कर रहे थे, एक बार ऊपर से देखकर जोरदार तालियां, कम ऑन। मैं ऑडियंस से पूछना चाहूंगा कि उनको कैसी लगी देवाशीष सर की सिंगिंग, मिमिक्री, उनका एक्ट, उनका परफॉर्मेंस, कौन बताना चाहेगा, बोलिए कैसा लगा? अच्छा यहाँ पर मुंबई से कौन कौन है? पूछना चाहूंगा क्योंकि कॉमेडी करते हैं, लोगों को हंसाते हैं, सबको खुश करते हैं, कभी कभी ऐसे पल आते होंगे जब जिंदगी में कुछ ठीक नहीं चल रहा होता होगा, लेकिन आपको स्टेज पर जाके लोगों को हंसाना पड़ता होगा, उस तरह के पलों के बारे में अगर आप कुछ बताना चाहें, कितना मुश्किल होता है? नहीं ये मुश्किल इसलिए नहीं होता है क्योंकि मैं क्या समझता हूँ कि भाई हर आदमी को अपने काम को ठीक से करना चाहिए, और कहते हैं कि कर्म ही धर्म है, तो इसके लिए आपका कर्म आपका धर्म है, तो जो आप धर्म निभाने जाते हो या कर्म करते हो वो आपकी एक बोलते हैं इंसान कुछ करने के लिए एक्टिविटीज है। ये पूरी दुनिया जो बनी है, दुनिया भी 2400 घंटा घूम रही है, तो वो भी अपने एक्टिविटीज कर रहा है, तो मैं अपने एक्टिविटीज कैसे रोक दूँ?
चाहे जो हो जाए हंसाना नहीं रोकते थे बशीर सर, जोरदार तालियां। क्या थॉट है सर? इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहूंगा पर्सनली कि जहां तक कॉमेडी का सवाल है, हमारे देश में लोग अगर कोई एक्टर रो दे या स्टेज पर इमोशनल एक्टिंग कर दे तो उसको एक ग्रेट एक्टर समझा जाता है, लेकिन कॉमेडी अपने आप में उतनी ही मुश्किल होती है, उतनी ही तकलीफदायक और मुश्किलात उसमें फेस करने पड़ते हैं हर एक्टर को अपने जज्बातों को बयां करने में। उस बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी, कॉमेडी करना एक्चुअली क्या है कि आप क्या है एक एक तरह से, जैसे कि आप लोग मतलब कोई भी चीज़ को लेकर के कोई भी चीज़ सब जब सीरियसली करोगे तो उसमें क्या हो जाएगा कि आप ट्रेस्ट में हो जाओगे, आपको स्ट्रेस आएगा अंदर। तो कॉमेडी करने से क्या होगा, एक सेटिस्फेक्शन हो जाती है अंदर से, तो उसमें आपको स्ट्रेस नहीं रहती, तो स्ट्रेसफुल आप मतलब आपको स्ट्रेस कब का खत्म हो जाता है, उसकी वजह से आप एकदम आराम से उस काम को एकदम खेलते कर लेते हो। बिल्कुल, आपने आज कुत्तों को फेमस कर दिया, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और जाने से पहले मैं देवाशीष सर के साथ साथ में करते हैं वो आप जो वो करते हो ना, लेट्स डू दिस, आइए। ओके, बिग हैंड फॉर देवाशीष एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर।